नमस्कार। क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें देखना है कि इनमें से कौन से नंबर 6 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। बच्चों यदि आपको याद हो कि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए बाय 6 डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए हमें देखनी पड़ती है 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2 से डिविजिबिलिटी के लिए। बच्चों हम क्या करते हैं, ये नंबर लिखते हैं 297144। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको याद होगा जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाया था वीडियोस में, तो हम सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखते हैं। यूनिट प्लेस है 4। ठीक है, 4 जो है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 इज डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ लिखोगे 4 इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब ये पूरा नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी 297144 इज डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 का तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पास हो गया, ये है ना, 2 से तो डिविजिबल हमने सिद्ध कर दिया। अब हमने देखना है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। थ्री के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए फिर से मैं नंबर लिख रहा हूँ 297144। थ्री के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, इन सब डिजिट्स को प्लस कर दो। देखो आपके सामने कर रहा हूँ, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। सम आया है 27, तो क्या 27 3 से डिविजिबल है? हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहे हैं, क्या 27 3 से डिविजिबल है? यस, 27 इज डिविजिबल बाय 3। और यदि ये 3 से डिविजिबल है इसका मतलब 297144 इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए ये एक नंबर है 297144, यह है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दोनों टेस्ट पास। इसका मतलब क्या है कि टू नाइन सेवन वन डबल फोर इज डिविजिबल बाय 6। याद रखना बच्चों, 6 से डिविजिबल तभी होगा यदि यह 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। यदि 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो भी यह 6 से डिविजिबल नहीं होगा, और यदि 3 से डिविजिबल है 2 से नहीं है तब भी यह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न के हर भाग में आपने ऐसे ही देखना है, जो भी नंबर दिया होगा उसको डिविजिबिलिटी बाय 6, 2 और 3 दोनों से चेक करके आपने देखना है। यदि दोनों से ही डिविजिबिलिटी टेस्ट पास होगा, 2 से भी और 3 से भी, तो वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो हम यहाँ लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 6। यदि किसी केस में ऐसा आ जाए कि 2 से ही डिविजिबल ना हो तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वही लिख देंगे क्योंकि यह 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए यह 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तब नहीं करना। कब नहीं करना? जब 2 से डिविजिबल ना आया। उम्मीद करता हूँ 6 से डिविजिबिलिटी आपको समझ आई होगी। इसका दूसरा भाग आप मेरे दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।